आप सब बच्चों को कह रहा हूँ, कितनी बड़ी दुनिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और कितने सारे लोग हैं, कितने हैं टोटल पॉपुलेशन नियर बाय? 7.5 बिलियन, समथिंग, जी 7.5। लेकिन अगर आप रोल मॉडल्स निकालोगे फ्रॉम द होल वर्ल्ड, फ्रॉम द टोटल हिस्ट्री, तो आप देखोगे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में से हैं सिर्फ टोटल। आप अगर इंडियन हीरोज गिनने बैठ जाओ तो आप उंगली पे गिन लोगे, 5-10 ही होते हैं, ठीक है। और अगर मैं रिलीजियस की बात करूं तो वो तो 4-6 ही हैं। इस्लाम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर सकते हो, क्रिश्चियन में आप ईसा अलैहि सलाम की बात कर सकते हो, हिंदुइज्म में आप राम और कृष्ण की बात कर सकते हो, सिखिज्म में आप गुरु नानक की बात कर सकते हो। तो दीज आर द रिलीजियस, महात्मा बुद्ध एंड ऑल। अगर आप वैसे की बात करने लगो तो ठीक है, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला एंड ऑल। तो देवर टोटली सिंगल अलोन पर्सन, जिसे मैंने कहना चाहिए अकेले अकेले आदमी थे, और उन्होंने बेटे दुनिया बदल दी अकेले अकेलों ने। अच्छे थे तो अच्छी तरीके से बदल दी, बुरे थे तो बुरी तरह से बदल दी। हिटलर हो, मुसलिनी हो, कोई भी वट एवर जिस हो, आप ले लिए सिंगल पर्सन। तो हमेशा चीजों को अकेले ने किया है। न्यूटन अकेले ने किया, आइंस्टीन अकेले ने, सचिन तेंदुलकर अकेले ने किया, शाहरुख खान अकेले ने किया, मिलके उनके पीछे किसी टीम ने नहीं किया। तो अकेले अकेले ने दुनिया को कितने बड़े बड़े रोल मॉडल्स दिए हैं, रोल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप भी हैं माशाल्लाह। और अगर आप सारे मिलके कलेक्टिवली कुछ कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए बढ़िया करना चाहो, तो फिर तो और ही मजा है। तो कभी ये मत सोचना मुझसे क्या होगा, मैं क्या करूंगा। नहीं, किया है लोगों ने, मैं उससे भी अच्छा करूंगा। अब आपके पास तो उनकी लाइफ स्टाइल है, पूरा उनकी लाइफ है, पूरी हिस्ट्री है, आप पढ़ो देखो, उससे अच्छा और क्या कर सकते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, पूरी कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए, यूनिवर्स के लिए, वट एवर जैसे भी आप चाहो, दीन के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। बट वही है कि टाइम बेटे 24 आवर्स ही हैं, लाइफ एक ही है, तो उन्हीं में से निकालना है। तो कितना प्रोडक्टिव, कितना कलेक्टिव आप अच्छा करते हो माशाल्लाह, वो डिपेंड करेगा। और आपके सबसे बड़े दोस्त जो है ना, ध्यान रखना, आपके सबसे बड़े दोस्त वो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्जियंस हैं, आपके रिलेटिव्स हैं। हायरार्की आप अपनी बना सकते हैं, कोई नहीं है बेटा, नन ऑफ देम, जिस पे आप ज्यादा ट्रस्ट करो। अल्लाह करे पूरी दुनिया इस लायक हो कि आप उन पे ट्रस्ट कर सको, वो आपके लिए लॉयल हो, बट मेन वही है, और स्पेशली पेरेंट्स। अल्लाह करे, अल्लाह ने अगर वो नेमत दी है तो फिर वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। जिंदगी में अगर कोई आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, ये मैं आपको कड़वी हकीकत इस दुनिया की बता रहा हूँ, तो वो सिर्फ दो ही लोग हैं पूरी दुनिया में, या तो माँ बाप, या फिर एक टीचर, एक ट्रू टीचर, टीचर। जो चाहता है कि जहां मैं नहीं पहुंचा वहां ये मेरे बच्चे पहुंच जाए। वरना अल्लाह माफ करे बेटी, अगर ईमान नहीं होता, मैं शर्त लगा रहा हूँ, अगर ईमान नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो भाई से भाई की तरक्की नहीं देखी जाती, बहन से भाई की और भाई से बहन की, और रिलेटिव तो बहुत दूर की छोड़ दीजिए। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस करंट सिनेरियो। एक भाई कहाँ है, दूसरा भाई कहाँ है, एक भाई ने दूसरे भाई की कंपनी खत्म कर दी। रिलायंस इंडस्ट्री मोबाइल के अंदर अनिल अंबानी लेके आए थे, बट अब जियो मुकेश अंबानी के पास है, टोटली खत्म जिसे कहना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल व्हाटएवर द सिस्टम। वो तो मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं जो उन्होंने किए, बट ये है लाइफ। तो आपके पास वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, ना उनसे कुछ छिपाना है, ना उनसे कुछ डरना है, ना उन्हें कभी परेशान करना है। और ये लाइफ का पहिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, लाइफ गोज इन सर्किल, नेवर गोज इन स्ट्रेट लाइन। लाइफ का एक सर्कल ऐसा है बेटे, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, कि जिस फेज में आप आज हो वापस नहीं पहुंचोगे। यही सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम है। आज अगर आप यहाँ टॉप पे हो तो थोड़े टाइम के बाद आपको बॉटम पे आना है, फिर आपको वापस यहीं आना है। तो ये रोल ऐसे ही चलेगा, आज आप औलाद हो, कल के दिन आपके सामने नई जनरेशन आएगी। तो आज आप जैसा रिएक्ट अपने बड़ों से कर रहे हो, कल आपके छोटे आपसे रिएक्ट करेंगे। तो जो आप अपने लिए चाहते हो, डू दैट फॉर योर सीनियर्स, योर जूनियर्स, योर यंगर्स, योर एल्डर्स,
दैट्स इट। तो लाइफ का ये फलसफा, तो इन किताबों से भी आगे बहुत सारी चीजें बच्चे, तो ध्यान रखना है। ये हमारे लिए जरिया हैं बुक्स, मकसद नहीं है। मकसद जिंदगी है कि अच्छी जिंदगी कैसे गुजारें। वो एक बहुत अच्छी चीज, मैं व्हाट्सएप पे आता रहता, मैंने आपसे कहा ना किसी चीज से भी कुछ भी ले सकते हैं। बहुत प्यारा सा है, आप लोगों ने भी मैसेज देखा, एक व्हाट्सएप मैसेज था, एक क्लास में टीचर आती हैं और शीट्स देती हैं सारी क्लास को और कहती हैं आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या चाहते हो जिंदगी में वो लिखो। सुन रहे हैं? ठीक है, तो सबने कुछ लिखा। तो एक बच्चे ने क्या लिखा था, हैप्पीनेस, फोन फोन मोबाइल, उसने अपनी शीट पे लिखा हैप्पीनेस, क्या आपने जिंदगी में क्या चाहते हो। तो टीचर ने उससे कहा आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो आंसर बहुत प्यारा सा था, नो मैम यू मिसअंडरस्टूड द लाइफ। उसने कहा कि आपने क्वेश्चन शायद गलत समझा, मैंने कुछ और पूछा, आपने हैप्पीनेस लिख दिया, खुशियां लिख दिया, जिंदगी में क्या चाहते हो, खुशियां, हैप्पी लाइफ, कि शायद तुमने क्वेश्चन गलत समझा। तो उसने कहा नहीं मैम आपने जिंदगी को गलत समझा, जिंदगी चीजों के लिए नहीं है, मैटेरियल के लिए नहीं है, जिंदगी तो खुशियों के लिए। कभी कभी एक चॉकलेट खाने में क्या, एक टॉफी खाने में मजा आता है, हल्का सा ठंडा सा पानी पीने को मिल जाए, भागते दौड़ते खेलते हुए आए ग्राउंड्स में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में, स्कूल में और बाहर पानी की टंकी लगी हुई है आपके स्कूल की, वहीं पानी पीने में बड़ा अब क्या मजा आ रहा है। कोल्ड ड्रिंक भी मजा नहीं देती कभी कभी, वो आइसक्रीम भी मजा नहीं देती जो पानी देते हैं। तो चीजों में मजा नहीं है बेटे, मोमेंट्स में मजा है। वो जो आप थक के आए, आपको प्यास लग रही थी और वहाँ हल्का सा पानी ठंडा आपको मिल गया तो आपको मजा आया। तो लुत्फ जो है वो मोमेंट्स में, चीजों में नहीं है कि नहीं आइसक्रीम ही होगी कोल्ड ड्रिंक ही होगी तभी मजा आएगा। तो अल्लाह करे आप सब बच्चों की जिंदगी माशाल्लाह ऐसी प्यारी सी हो कि दूसरे उस चीज को पाना चाहें, आप उनको आपकी लाइफ देख के लोगों को हसरत हो, रश्क हो कि आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। अल्लाह करे, कोशिश करेंगे। यस सर। यस सर।